नाज़रीन ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मतलब? अब हमारे सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक, सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। ओके जी, कमल साहब, आपकी जुबान आपसे सराइकी बहुत अच्छी लगती है। मेरा नाम सैफुर रहमान है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरा नाम लेके सराइकी में कोई शेर या फिर कोई गाना गा दें। सैफुर रहमान साहब के लिए जो कहते हैं, या शेर सुनाओ या कोई गाना सुनाओ, या कहो कि कुछ खा ला बेटा, थोड़ी सेहत खा ला है बनता है। मेरे बिरा ना मैं कोई गाना आंदा है तो ना मैं कोई शेर आंदा है। वाह, डायलॉग सिर्फ डायलॉग आने ने वो भी टूटे पजे, बिकॉज काफ़ी अर्सा हो गया सराइकी बेल्ट से दूर हुई हुई हूँ मैं। सो थोड़े बहुत सराइकी का ये है कि अल्लाह पाक को ज़िंदगी देवे, अल्लाह पाक को शाद आबाद रखे। पुराने किसी प्ले का कोई याद आ जाए आपको डायलॉग? काफ़ी अर्सा हो गया ना, बहुत अर्सा हो गया, बहुत अर्सा भूल भाल गया, भूल भाल गया ऑनेस्टली। और जो ब्रेन हैमरेज हुआ ना, उसमें काफ़ी पोर्शन डिलीट हो गया हुआ, जो मेरा स्वेयर ब्रेन हैमरेज हुआ था। हाँ, वो तो बहुत तकलीफ से गुजरी थी आप। जी, वो तो मौत की खबरें चल गई, इंतकाल हो गया कमल का, सारा कुछ हो गया। अब वो कह रहे हैं कि खानदान सोच रहा है कि लाश दफनाएं कहाँ, पेशावर दफनाएं कि लाहौर दफनाएं, कहाँ दफनाएं। उसके बाद मेरे जो बहुत सारे कुलीग्स थे, मैंने कहा बेटा ये गलती आपने की है, अब जब मरूंगी ना ये गलती ना करना, ये आप गलत बोल गई, ऐसा नहीं ऐसा है। मैंने उनको ठीक किया, इस बार तो हो गया सो हो गया, नेक्स्ट टाइम जब सचमुच मरूंगी तो फिर ये गलती ना कीजिए। अच्छा कमल, आप मीडिया का भी हिस्सा हैं? बिल्कुल हूँ जी। आप शोबिज़ का भी हिस्सा हैं? जी बिल्कुल। आप सियासतदान भी हैं? हाँ। और आप एक ही एक जिस्मानी तौर पे ज़िंदगी में एक हादसे से आप गुजरी जी, और फिर आपने देखा कि उस हादसे में ये जो इस किस्म की खबर होती है, हाँ, आम आदमी का बताना बिल्कुल और तरह से शायद उस तजुर्बे को बयान करें। आप ये बताइए ज़रा, लोगों को भी अंदाज़ा हो, हमारे कबीले को भी, ख़ुद भी हमें भी अंदाज़ा हो कि कितनी मसाइल होते हैं, कितनी तकलीफ़ से गुजरती है वो फैमिली जिसके बारे में कोई गलत खबर जो है वो नशर हो जाए। जी बिल्कुल। क्या गुजरी आप पे जब आपके बारे में ये सारी खबरें जो है मशहूर हो गई? मैं तो चूँकि वसी जी कोमे में थी, मुझे नहीं मालूम क्या खबरें चली हैं। और मेरी वालदा चूँकि बीमार खातून थी, नहीं मगर खानदान बीस बच्चे, हाँ वो बहुत परेशान हूँ, तो भागे भागे आ गए जी, भाई भागे भागे स्वाथ सारी मेरी फैमिली आ गई थी, अब बहुत परेशान हूँ, तो रोना पिटना डाल दिया था कि अच्छा इंतकाल हो गया, ये वो है। और फिर जब आके देखा उन्होंने कि नहीं अभी सांसें कुछ चल रही हैं, क्योंकि 97% ब्रेन मेरा डेड हो गया था, सिर्फ 3% काम कर रहा था। नहीं मगर फिर भी, हाँ सही कह रही है, मगर जब तक अल्लाह ताला अज़ियत हुई जी, जब तक किसी भी शख्स की बाकायदा जिंदगी दुनिया से जाने का ऐलान ना हो जाए, मीडिया को तो नहीं नशर करना चाहिए ना? नहीं, उनकी गलती भी नहीं मीडिया की। अच्छा हुआ यूं कि मेरी एक कुलीग महविश सुल्ताना, उस सब फ्लोर पे थी, अब पार्लियामानी सेक्रेटरी थी एजुकेशन की, वो एजुकेशन के हवाले से जवाब दे रही थी, स्पीकर थे राणा इकबाल साहब, तो पीछे किसी खातून एमपी ने उनको पर्ची एक दी। अच्छा। उन्होंने पर्ची खोई तो उसमें लिखा था कि जी कमल नुमान का इंतकाल हो गया है। उन्होंने बात रोकी, उनका स्पीकर साहब मुझे ये पर्ची मिली है, पीछे बैठी उनका कि जी कमल का इंतकाल हो गया, उससे सारी बातें रुक गई। और फिर असेंबली में फातिहा खानी हुई, जब असेंबली में फातिहा खानी हुई तो मीडिया सारा बैठा हुआ था, फिर से सियासतदानों का कसूर होया ना, ठक ठक ठक, सियासतदानों का कसूर होया, साडा तो कोई कसूर नहीं। नहीं सर, मैं तो कहती हूं है ना, मीडिया का कसूर नहीं है सर। यस हां, अच्छा अच्छा, ये हुआ, ये हुआ बेसिकली। तो उससे भी हम एक चीज सीखनी चाहिए, चाहे मीडिया हो, चाहे हम हो, चाहे आम आदमी हो, तहकीक तो पहले करनी, खासतौर पे जो सेंसिटिव खबर है, इतनी क्या जल्दी पड़ी है खबर को, हाँ ये कि नहीं ये खबर मुझसे पहुंच जाए। वो तो शुक्र है वसी जी की, मेरी वालदा बीमार खातून थी, पता नहीं लगा, मेरा बेटा स्पेशल चाइल्ड है, उसको फील नहीं हुआ कि क्या खबरें चल रही हैं। किन कोलीग ने ये खबर दी थी वैसे? वो नहीं मुझे मालूम, वो किसी ने मुझे बताया, डिस्क्लोज नहीं किया कि जो पीछे से पर्ची आई है वो किसने दी, वो किसने। हाँ, तो मैं भी कहती कमल मेरा कसूर ही, मैं कहा मेरी जान मुझे मालूम है तेरा कसूर नहीं है, तुझे पीछे से पर्ची आई थी। पर्ची लेके पढ़ देते ना बगैर देखे सोचे। जी कवल मैडम, ये आपका नाम बहुत खूबसूरत है, ये आपका शोबिस का नाम है या आपकी फैमिली में से किसी ने रखा है? प्लीज़ ज़रूर बताइएगा किसने रखा है आपका नाम। जी ये शोबिस का नाम, शोबिस का नाम है, शोबिस का नाम है। मेरा तो एक्चुअल नेम जो था वो तस्नीम था, तस्नीम, लेकिन उस वक्त तस्नीम कौसर भी काम कर रही थी उसी ड्रामे में, दुख सुख में। अच्छा, तो उनके जंबल हो जाएगा। ठीक है। फिर सीएम मुनीर साहब ने जो है ये नाम सेलेक्ट किया था मेरे लिए कमल, सीएम मुनीर साहब ने, सीएम मुनीर साहब ने सेलेक्ट किया था, तब से फिर वही चलता गया, कमल ही चलता गया, वही मेरी शिनाख्त बन गई, वही सब कुछ बना। शो से सर ये भी खबर जा रही है, बड़ी बड़ी न्यूज है। और फिर सब कहते थे कि कमल कीचड़ में पैदा होता है, ये क्या नाम हुआ? मैं कहा देख लें, ये जो कमल का फूल है ना जी, वो अपने किरदार से पहचाना जाता है, कीचड़ से नहीं। हाँ, कि वहां रह के भी बात है जी।
इंडिया में अगर कोई फनकार सियासत में जाए तो पार्लियामेंट में उनकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है। यहाँ अगर कोई फनकार सियासत में जाए तो पुराने सियासतदान इनका वेलकम करते हैं या इनसिक्योर हो जाते हैं। सारे सवाल करने वाले आज क्यों लग रहा है कि खुराक से दूर है? आप देखिए सारे जितने भी अब तक आए को नहीं लगा महंगाई है। मैं तो खैर अपने बारे में ये कहूँगी कि मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिली, ठीक है, मेरी पार्टी की तरफ से भी, अपोजिशन की तरफ से भी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब काफ़ी दौर चेंज हो गया हुआ है, ठीक है। अब जो लोग हैं ना उनके अपने घरानों के बच्चे या बच्चियाँ ड्रामों में काम कर रहे होते हैं और बाकी काम कर रहे होते हैं, मतलब अब तो बकायदे कि ये स्टडी में आ गया हुआ है कि आप तो आपने अजनबी महसूस नहीं किया? नहीं बिल्कुल नहीं, कभी कभार होती है, कभी कभार। एक तो ये कि शायद वो डरते हैं कि कमल के साथ बैठ के बात करेंगे कहीं स्कैंडल ना बन जाए, क्योंकि शोबिज की हैं ये, और फिर घर से भी कि अच्छा आप कमल के साथ बैठ के बातें कर रहे हो। और मेरा ये ख्याल है कि इस समय जो दो चार बंदे हैं हमारे इसमें भी कोलीग्स जो हैं हमारे, वो थोड़ा सा ना जैसे कहते हैं कन्नी खाना वो खाते हैं, तो मैं उस मोमेंट को भी एंजॉय कर रही होती हूँ कि अच्छा। लेकिन ओवरऑल आपको लगा कि रिस्पेक्ट? हाँ, रिस्पेक्ट है और एक्सेप्टेंस भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिशियन एक्ट्रेस कमल नुमान साहिबा, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। कमल साहबा, हमारे सेगमेंट है जिसका नाम है कथारसिस। तो कमल, कोई गिल्ट किसी बात पे, कोई ऐसी चीज जिंदगी में जो आप समझती हैं कि हाँ भाई ये मुझसे गलत हुई, ये नहीं होनी चाहिए थी, और जमीर उस पर मलामत करता हो? जी करता है जमीर मलामत, क्योंकि वसी जी मेरा बेटा स्पेशल है, मेरी मदर बीमार रहती थी, सो कभी कभी मैं एग्जॉस्ट हो जाती थी, मुझे घर में ही परफॉर्म करना पड़ता था कि आई एम गुड। जब आप बाहर से थके हुए आते हैं, ज़िंदगी में कई ऐसे मौके होते हैं जब आप डिप्रेस होते हैं, आप शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर नहीं कर सकते अपनी वालदा से, कि अगर वो सुनेंगी तो वो अपसेट होंगी कि अच्छा आज डांट पड़ गई, आज ये हो गया, या काम नहीं मिला, या वट एवर जो इशू होते थे। तो मुझे घर में भी परफॉर्म करना पड़ता था विद अ स्माइलिंग फेस। तो कभी कभी जब मेरी माँ मुझसे लड़ती थी ना, तो मैं फिर अम्मा के आगे बोल पड़ती थी कि अम्मा आपको क्या पता, मैं भी इंसानों में थक जाती हूँ, मैं भी बीमार होती हूँ, मेरे भी दर्द होता है, लेकिन मैं कहती नहीं हूँ कि अगर मैंने कहा तो आप डाउन होंगी, लेकिन आप ज़्यादती कर रही हैं। अब मैं कहती हूँ कि मुझे नहीं कहना चाहिए था अपनी माँ से, ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। पत्नी मेरे जुमले के बाद मेरी माँ कितनी हर्ट हुई होगी सारी रात के, अच्छा मेरी बच्ची प्रॉब्लम में थी, अच्छा उसको तकलीफ़ हो रही थी, अच्छा उसके सर में दर्द हो रहा था या उसको टेम्परेचर था, वो तब भी काम करने के लिए गई थी। तो मैं उन मोमेंट्स को रिग्रेट करती। फिर मेरी माँ ने कम कम बोलना शुरू कर दिया मेरे साथ, डांटना मुझे, सारा कुछ करना। तो वो एक है ना कि जब आपके वालदैन आपके डर से बात करना छोड़ दें, तो ये औलाद के लिए बहुत बड़ा जो है वो है। रिग्रेट होता है, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, अपनी माँ को जो बीमार है 20-25 साल से मुझे इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए था, लेकिन वैसे साहब मैं थक जाती थी, स्पेशल बेटे को भी देखना, माँ को भी देखना, बाहर के सारा काम भी करना, तो मैं किसके आगे कतार से निकालती है, बाहर नहीं निकाल सकते, बाहर निकालेंगे लोग आपसे दोबारा बात नहीं करेंगे। तो ले दे के मेरा गुस्सा अपनी माँ पे ही निकलता था। मैं कहती थी अम्मी आपको नहीं पता ना, आप क्यों ज़िद कर रहे हैं, आप खाना क्यों नहीं खाती, आप ये भी मेरे बर्डन डालते हैं, आप खाना नहीं खा रहे, आपका दिल नहीं कर रहा, खाएं नहीं खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। उसे मेरी माँ कहती थी कवल तो मुझे डांटती रहती, तो फिर मैं वॉशरूम के मुँह हाथ धो